नहीं कर चुका है शिवा, हमारे लाखों के भोज की सुविधाओं को शिकस्त देकर उधेड़ दिया है। ये है हमारे बाबूजान अमीर उम्र शाइस्त खान साहब। शिवा ने इसके लाल महल पे छापा डालकर इसके छक्के छुड़ा दिए। नसीब सिकंदर रहा इसका, सिर्फ तीन उंगलियां गवानी पड़ी, जान बख्श गई। यह है सूरत के खूबसूरत सुबेदार इनायत खान से। शिवा सूरत आए तो ये धूम दबा के भाग गए। यह बख्श पोलाद खान, शिवा ने इसके हाथ पे मिठाई रखकर इसके चंचूस से फरार हो गया। सारे के सारे तुर्क मुगल बुंदेल रसपूत सब कुछ शिकस्त दी है उस शिवा ने। क्यों फतेह हासिल होती है, क्यों फतेह हासिल होती है उसे, क्यों क्यों क्यों? उस शिवा ने जंग तालीम हासिल की है, मजबूत किले बना है, और उससे ही ज्यादा मजबूत इरादों के लोग उसके पास है। मैंने शिवा के बासिंदों को जागीरदारी का लालच दिया। शिवा ने लोगों ने उस पर थूक दिया, दुनिया की हर चीज खरीद सकता था मैं। शिवा के बासिंदों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं, वो झुकते नहीं, अरे कमबख्त मराठे बिकते भी नहीं। शिवा ठाक है, शिवा ठाक है, नादान नवाकुल है शिवा, लेकिन उसकी चाल चलन दूध की तरह साफ है और आसमान की तरह चमकदार। दूसरों की मच्छक मच्छबी कलाम की इज्जत करता है शिवा, इसलिए उसकी कामयाबी चांद को छू रही है। हम बहुत ही खुश नसीब है शहजादे, हम बहुत ही खुश नसीब है, क्योंकि हमें दुश्मन मिला वो भी शिवा जैसा। यही औरंगजेब दिल्ली में अपने दीवाने खास में बैठा हुआ था। लास्ट बात बताता हूँ, दीवाने खास में बैठा था, नमाज पढ़ने का वक्त था। आलमगीर नामक